हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, और ये है इसका मिड। हेलो 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 चेक हेलो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजे टेक बिहार। तो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, और आज की वीडियो में हम लेके हैं स्टेंजर का एक बड़ा चैनल का लाइव मिक्सर। इस मिक्सर का हम आज टेस्ट करने वाला है, इसका साउंड चेक करेंगे और इसका इफेक्ट्स भी चेक करेंगे, और इस वाले मिक्सर का प्राइस भी आज बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, ये है वो मिक्सर, और कुछ इस तरह से डिज़ाइन है इस मिक्सर का, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। और इसका साइड पैनल में देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये मिक्सर होता है कम प्राइस के अंदर, देख सकते हैं आप। और ये है इस मिक्सर का बैक पैनल, देख सकते हैं, और इसका जो बैक पैनल है यहाँ पे एक स्विच देखने को मिलता है इसका पावर ऑन ऑफ का, और ठीक इसका बगल में यहाँ पे देख सकते हैं अर्थिंग के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। जैसे कि आपका मिक्सर में करंट वरेंट आता है या फिर हर्निंग का प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप अर्थिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 17.5 वोल्ट डीसी इनपुट करना होता है इसमें, क्योंकि इसमें अबडक्टर अलग से लगाना पड़ता है, देख सकते हैं डीसी यहाँ पे इसका अबडक्टर दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें आप एसी इनपुट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेंजर का ओरिजिनल का पहचान है, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टिकर है होलोग्राम, और यहाँ पे भी देख सकते हैं मॉडल नंबर दिया गया है इसका SM1200E, इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हैं। चलिए इसका हम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये 12 चैनल का मिक्सर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला मिक्सर में आप 12 माइक इनपुट कर सकते हैं और 12 लाइन इनपुट इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइन का सॉकेट दिया गया है यहाँ पे माइक का, और यहाँ पे एक पीक LED इंडिकेटर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आपका इस वाला चैनल में सिग्नल हाई जाता है तो यहाँ पे पीक जल जाएगा, और यहाँ पे आपको रेड वाला गेन का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। और ठीक उसको नीचे यहाँ पे बेस का दिया गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका मिड का दिया है, मिड फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे इसका ट्रेबल है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेन बैलेंस का वॉल्यूम अब दिया गया है, जैसे कि लेफ्ट राइट में आउटपुट कराना हो तो यहाँ से आप करा सकते हैं। और ठीक उसको नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स का वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इसका फेटर नॉब दिया गया है, देख सकते हैं। इसका जो फेटर है वो 50 mm के दिया गया है, काफ़ी छोटा है, देख सकते हैं। और इसी चैनल की तरह यहाँ पे सभी चैनल दिया गया है, किसी भी चैनल में कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्लूटूथ लगा रखा है, हालांकि इस वाला मिक्सर में आपको ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं रहता है, हमने इसको घरे डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे तो इसको भी हम वीडियो एक लेके आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो आउटपुट मिलता है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लेफ्ट राइट का, मतलब इस वाला मिक्सर में आप टोटल 4 आउटपुट ले सकते हैं इस मिक्सर से। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंड का सॉकेट देखने को मिलता है, यहाँ पे रिटर्न का है, और यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ का लाइट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका मिक्सर में जो भी चल रहा है यहाँ पे सिग्नल में आपका शो करेगा आउटपुट में। और यहाँ पे स्टेंजर का ब्रांडिंग देख सकते हैं, और यहाँ पे फिर से मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे मेन मास्टर का वॉल्यूम नॉब दिया गया है, जैसे कि अगर आपका इस चैनल में आउटपुट हो रहा है, यहाँ से आपने फेटर बढ़ा दिया है, और यहाँ से वॉल्यूम आप नहीं खोलेंगे तो आपका आउटपुट नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट्स का मास्टर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं फिक वेट के लिए वॉल्यूम दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका डिले टाइम का है। और यहाँ पे एक हेडफोन का सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम नॉब दिया गया है। तो चलिए इस वाला मिक्सर को हम टेस्टिंग कर लेते हैं माइक लगा के, तो वीडियो में आप बने रहें इफेक्ट्स के साथ। तो गाइस, अभी हम इस मिक्सर को चलाने के लिए रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक आउटपुट लिया है राइट चैनल से, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इनपुट किया है माइक का पीला वाला केबल, देख सकते हैं, और यहाँ पे एक म्यूजिक का यहाँ पे रेड वाला केबल है, देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम म्यूजिक प्ले कर लिए हैं, यहाँ से फेटर बढ़ा के अपना साउंड चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने मास्टर का वॉल्यूम नहीं खोला है, तो यहाँ से आपका मास्टर का वॉल्यूम खोलने पड़ेगा, तभी इस मिक्सर में साउंड आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने मास्टर का वॉल्यूम खोल दिया है दोनों चैनल का, और ये है इसका फेटर, देख सकते हैं। और अभी हमने बेस ट्रेबल कुछ भी नहीं खोला हुआ है, तो चलिए उसको भी खोल के टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ट्रेबल है, इसको हम खोलते हैं, देख सकते हैं आवाज़ पतला हो गया है। और ये है इसका मिड, देख सकते हैं ये इसका मिड, और यहाँ पे इसका बेस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल, देख सकते हैं आप LED,
और अभी हम इस मिक्सर में माइक लगा के चेक कर लेते हैं इसका इफेक्ट्स कैसा है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहें। तो अभी हमने अहुजा का ADM 511 माइक लगा रखा है, इसी से साउंड टेस्ट करने वाला है। तो चलिए इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले फेटर अपना बढ़ा लेते हैं और यहाँ से गेन भी बढ़ा लेते हैं और चेक करके देखते हैं। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। तो देख सकते हैं साउंड आना स्टार्ट हो गया है और अभी इसमें इफेक्ट्स नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। हेलो हेलो चेक हेलो। क्योंकि हमने इफेक्ट्स का वॉल्यूम यहाँ से नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ से खोल लेते हैं और अपना इफेक्ट्स हम सेट कर लेते हैं। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। यहाँ से हमने इफेक्ट्स का वॉल्यूम खोल लिया है और यहाँ पे हमने इफेक्ट्स का मास्टर खोल लेते हैं, देख सकते हैं इतना हम खोल देते हैं। और यहाँ पे फीडबैक का सेटिंग यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे डिले टाइम का, तो अभी हम कुछ इतना खोल देते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे डिले टाइम इतना सेट कर देते हैं। तो अभी हम चेक करके देखते हैं इसमें इफेक्ट्स आ रहा है कि नहीं। हेलो हेलो चेक हेलो। तो देख सकते हैं इसमें इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गया है और अभी इसका हम ट्रेबल बढ़ा के देखते हैं। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। और ये है इसका मिड। हेलो 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 चेक हेलो। और ये है इसका बेस। हेलो हेलो चेक हेलो। तो कुछ इस तरह से इको है इस मिक्सर में, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और चेंजेस करके देखते हैं हम। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक। तो देख सकते हैं इस मिक्सर में इको ठीक ठाक दिया गया है, ज़्यादा अच्छा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है वो कम बजट का आता है, मतलब लो प्राइस का ये मिक्सर है। तो चलिए हम इसे म्यूजिक बजा के थोड़ा सा हम और टेस्ट कर लेते हैं। मिक्सर को तो हमने टेस्ट करके आपको दिखा दिया और आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस वाला मिक्सर का इफेक्ट्स आपको कैसा लगा। हालांकि ये जो मिक्सर है ये लो प्राइस के अंदर आता है तो ज़्यादा अच्छा हम नहीं बोलेंगे, तो आप ले सकते हैं। अगर आप नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इस वाला मिक्सर को ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप पुराना हो गए हैं साउंड के दुनिया में तो आप ये मिक्सर ना लें क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं आता है। इस वाला मिक्सर में आपको ज़्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आराम से इस वाला मिक्सर को आप ऑपरेटिंग कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इस मिक्सर का प्राइस का, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया 9 से 10 हज़ार में आपको मिल जाना चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम बहुत सारा लाने वाला हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में हम